शिल्पा जी, देख रहे हैं कि सोयाबीन में आज 1% की तेजी बनती नजर आ रही है, हालांकि लेवल वही है 6100 के ऊपर का और 6217 का हाई लग चुका है अक्टूबर का एकदम है। रूपा जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से पाइपलाइन अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है सोयाबीन की, सोयाबीन का स्टॉक है ही नहीं और अब बाजारों के अंदर सोयाबीन उतरेगी और किसान भी हो सकता है कि सरसों की तरह सोयाबीन को भी काफ़ी ज़्यादा रोक रोक कर लेकर आए, क्योंकि जो किसान अभी मंडियों में ला रहे हैं उनको अभी वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, 3000-4000 मैक्सिमम ये दाम अभी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं किसानों को सोयाबीन के। आपको क्या लगता है अगर जिस हिसाब से पाइपलाइन में अभी स्टॉक नहीं है और किसान सोयाबीन रोक देते हैं तो क्या सोयाबीन में पहले वाली तेजी देखने को मिल पाएगी 8000-9000 वाली? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि उतनी तेजी बन सकती है, अगर प्रोडक्शन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि सप्लाई कैसी रहती है, मंडियों में अराइवल्स कैसी देखने को मिलती है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अभी सपोर्ट है, मार्केट भी तेजी की तरफ ही है, कोई बहुत ज्यादा भी ऐसा सेंटिमेंट बना नहीं है कि गिरावट आ सकती है और मुझे लगता है कि अभी तेजी बनी रह सकती है। शॉर्ट टर्म मार्केट अभी फिलहाल तेज दिखाई दे रहा है, अभी अगर किसानों के पास रखा है तो उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं क्योंकि करंट लेवल्स के ऊपर प्राइजेस अभी ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर एक बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड है, टेक्निकली भी अगर देखें तो फिलहाल यहाँ से करंट लेवल से एक्सपेक्टेड है कि 300 से 500 रुपए की तेजी बन सकती है जी।